हाँ जी, स्वागत है तुहाडा MSW स्टडी फॉर जॉब चैनल दे उपर। ते आपां ने जो टॉपिक पढ़िया सी एक एरिया ऑफ रैक्टेंगल एंड स्केयर दे उपर, उहदे अज आपां की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। पहली प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ ते जिहदा फर्स्ट सम आ कि द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रैथ ऑफ रैक्टेंगल इज 23 मीटर। मतलब की आ कि जो एक रैक्टेंगल दिती हुई आ उहदी लेंथ मतलब लंबाई, ब्रैथ मतलब चौड़ाई, उहदे विचकार दा डिफरेंस किन्ना गा 23 मीटर 23 मीटर आ। ते उहदा नाल आपां नूं पैरीमीटर दित्ता होया, पैरीमीटर मतलब परिमाप आपां नूं दित्ता होया किन्ना 206 मीटर। तां उहदा एरिया की आपां ने पता करना, चार ऑप्शनां दित्तियां होईयां ने। पहली आ 1520, दूसरी आ 2420, तीसरी आ 2480, चौथी आ 2520। पहला की करो, वीडियो नूं पॉज करो ते खुद तो आंसर नूं की करो, सॉल्व करन दी कोशिश करो। हाँ जी, देख लिया करके तो हुण इहनूं सोल्व करदे आं। आपां नूं की दित्ता होया कि लेंथ ते ब्रैथ दा डिफरेंस, मतलब कि आ जे लेंथ लंबाई आ, ब्रैथ की आ चौड़ाई आ, उहनां दे विचकार दा अंतर डिफरेंस किन्ना गा 23 मीटर दे रख्या। ते नाल आपां नूं दित्ता होया उसदा पैरीमीटर परिमाप। हुण आपां ने परिमाप नहीं लिखना, आपां उहदा फॉर्मूला लिख लो की हुंदा 2 × लेंथ प्लस ब्रैथ, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 206 दे। 2 × चा इधर की हो जाएगा डिवाइड, कट के किन्ना आ गया ये 103। हुण इस ते की लगा देंगे एक, 10th क्लास च कीते होना तुसी ने कि एक विलोपन विधि हुंदी आ, उहदे नाल की कर लांगे इसनूं सोल्व कर लांगे। साइन चेंज कर दिंदे हुंदे आ, एल कट गया बी माइनस दा, 103 माइनस दा, एल कट जाएगा, दोनों नू ऐड करांगे, एक ते एक 2b हो गया, इन्हों का माइनस करांगे, 3 × 3 माइनस करे 0, 10 × 2 माइनस करे 8, ए भी माइनस दा बनेगा, कट गया। तो बी अपने कोल कितनी आ गई, 80 नू 2 नाल कट के 40 मीटर आ गई। बी दी वैल्यू इत्थे कितें भी पुट कर दो, मान लो इत्थे आपां ने पुट करती लंबाई माइनस चौड़ाई किन्नी आ 40, तां लेंथ किन्नी आ गई 23 प्लस 40, माइनस वाला 40 सज्जे पासे जाके हो गया प्लस दा, तां लंबाई किन्नी आ गई 63 मीटर। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, एरिया आपां ने फाइंड करना। रैक्टेंगल दा एरिया किन्ना हुंदा, आयत दा खेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई किन्नी आ 63, चौड़ाई किन्नी आ 40, दोनों की मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके देख लो 252, पिछे एक 0 लाई 2520, तो की आ डी ऑप्शन लिखा हुआ 2520, तो यह आ गया अपना राइट आंसर। नैक्सट सवाल देखते हैं। हाँ जी, अगले सवाल से चलते हैं जिथे की दिता हुआ कि द लेंथ ऑफ रैक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर एंड ब्रैथ इज 10 सेंटीमीटर। मतलब फिर कि आपां नूं एक रैक्टेंगल आयत दिती हुई आ जिसकी लेंथ किन्नी आ 18 सेंटीमीटर ते ब्रैथ किन्नी आ 10 सेंटीमीटर। वैन द लेंथ इज इनक्रीज टू 25 सेंटीमीटर, कि जदों आपां लेंथ नूं लंबाई नूं इनक्रीज कर दिंदे आ, वधा दिंदे आ किन्नी 25 कर दिंदे आ, पहला किन्नी आ लंबाई 18, बाद च आपां ने किन्नी करती ये वधा के मान लो एल आई नूं एल वन लिख लाँगे, किन्नी करती 25 सेंटीमीटर करती, तो उहदी ब्रैथ किन्नी होगी, वट विल बी द ब्रैथ इफ एरिया रिमेन सेम, जे उहदा खेत्रफल की रहे सेम रहे तो उहदी ब्रैथ किन्नी होगी, ब्रैथ वधूगी जां घटूगी। ठीक है, एरिया आपां ने की रखना सेम रखना, तो देखते इहनूं किवें सोल्व करांगे। पहला वीडियो नूं पॉज करके तुसीं खुद इहनूं सोल्व करन दी कोशिश करा करो ते आंसर नीचे कॉमेंट्स च लिख दिया करो। हाँ जी, तो की दिता होया लेंथ पता पहला 18, ब्रैथ किन्नी आ 10, तो पहला इहदा खेत्रफल किन्ना होवेगा, रैक्टेंगल का खेत्रफल की हुंदा आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 18 × 10 180 स्केयर सेंटीमीटर। फिर जो लेंथ आपां ने करती 25,
हुण की आ इहदी ब्रेथ किन्नी होगी वो आपां ने पता करना। एरिया किन्ना गा हुण भी एरिया किन्ना 180 आ, एरिया उन्होंने कहा होया सेम ही रहना चाहिए। तो वैल्यू लिख लाँगे, एरिया इत्थे की आ जाएगा इहदा एल वन गुणा बी वन बराबर 180। एल वन किन्नी आ 25 मल्टीप्लाई बी वन बराबर 180। तो ब्रैथ पता करनी आ तो 180 नाल 25 की हो जाएगा डिवाइड। तो इनू डिवाइड करांगे कट के आंसर किन्ना आ जाएगा, पहला 5 दे टेबल से कट दो गया 5 ते ये किन्ने दे गया 3 36 36 बटा 5 ये कटांगे पॉइंटा च 7.2 तो कि आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगी करैक्ट आंसर। तो इस तरीके करने हैं, बस फॉर्मूले की तुहानू याद होने चाहिए आ, रैक्टेंगल का एरिया की हुंदा, रैक्टेंगल का पैरीमीटर की हुंदा, तो स्केयर का एरिया, स्केयर का पैरीमीटर, ट्रैंगल का एरिया, ट्रैंगल का पैरीमीटर, तिना टॉपिक आप पहले ही कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जल्दी नाल की वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप चलते हैं इस तो बाद अपने अगले सम ते। हाँ जी, अगले सम ते चलते हैं कि दिता हुआ कि रैक्टेंगुलर प्लॉट मेजरिंग 90 cm बाय 50 cm इज टू बी एनक्लोज बाय वायर फेंसिंग। कोई की है अपने को एक रैक्टेंगुलर प्लॉट आ जिदी की है डायमेंशन दिती हुई 90 cm से 50 cm। पहली की है लेंथ होगी, दूसरी की होगी ब्रैथ होगी, लंबाई तो चौड़ाई। उन्होंने एनक्लोज करना, आप देखो कोई भी प्लॉट आने एनक्लोज मतलब कि इतने सारे कितने की करनी है ये वायर फेंसिंग करनी है। वायर फेंसिंग मतलब कि ये कुछ भी अपने तार फेरनी है इदा साइडा से। इफ द पोल्स ऑफ द फेंस आर कैप्ट 5 meters अपार्ट, जेडे फेंस के पोल लगाने वो किने किने डिस्टेंस से लगन गए, 5-5 meters से लगन गए, आ डिस्टेंस की होना चाहिए इन्होंने विचकार 5-5 meters की दूरी पर लगाए जान, तो किन्ने पोल की आपू नीडड़ ने किन्ने पोल की जरूरत होगी। तो वीडियो पॉज करो, पहला खुद इन की सॉल्व करने की कोशिश करो, उस तो बाद सॉल्व करने की कोशिश करा। तो हाँ जी, देखो की दिता हुआ आपू लंबाई तो चौड़ाई दे के उसकी अपने वायर नाल फेंसिंग करनी है, मतलब की है किसी तार नाल उसकी की आ वार लगानी इदा साइडा दे, ठीक है। तो जो भी की आ कोई चीज़ उसकी बाउंड्री ते लगती है तो की पता करते होंगे आप उसका पैरीमीटर परिमाप। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला की होंगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई किन्नी आ 90 cm, चौड़ाई किन्नी आ 50 cm, प्लस करांगे किन्ना बन गया ये 140, 140 की 2 नाल गुणा करी 280 meters या सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, जो भी अपने को, ठीक है। हुण उन्होंने कहा जो पोल लगने वो किन्ने किन्ने डिस्टेंस से लगन गया 5-5 meters दे, ठीक है। तो किन्ने पोल आपां चाहिए ने, तो जो पैरीमीटर आया उन्होंने की करो 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। वैसे कि असम बिना फॉर्मूले तो भी किया जा सकता गा कि पहला ये लंबाई किन्नी है 90 आ, 90 नाल 5 से डिवाइड कर दो तो उस इन्ने पोल आ जाएंगे, उन्ने इस साइड आ जाएंगे। फिर इधर की है चौड़ाई किन्नी आ 50 की, इनू भी 5 से डिवाइड कर दो, उमें भी की आंसर आ जाएगा। पर आपने की आ सिंपली फॉर्मूले नाल कर लिया तो कट के किन्ना आ गया ये 5, 6, 56। तो किन्ने पोलों की जरूरत होगी, 56 पोलों की जरूरत होगी, ठीक है। तो नैक्सट देखते हैं। तो हाँ जी, अगले सवाल देखते हैं कि द रेशो बिटवीन लेंथ एंड पैरीमीटर ऑफ रैक्टेंगल इज 1:3, वट इज़ द रेशो बिटवीन लेंथ एंड ब्रैथ। मतलब की है किसी रैक्टेंगल की लेंथ तो पैरीमीटर की रेशो आपू दे रखी आ, जी रेशो दिती हुई है 1:3, एक कि रेशो वो लंबाई तो नाल की आ पैरीमीटर परिमाप। तो आपने पता कि करनी है रेशो लेंथ तो ब्रैथ, मतलब की आ लंबाई तो चौड़ाई की रेशो किन्नी होगी वो आपने की करनी है पता करनी है। तो देखो किवें करांगे, वीडियो नूं पॉज करो, पहला खुद तो सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर की है नीचे कॉमेंट्स लिखो, उस तो बाद की आप अगे सॉल्व करते हैं। तो देखो की दिता हुआ पहला
कि लेंथ ते पैरीमीटर दी रेशो, लेंथ दी रेशो किहदे नाल दित्ती हुई आ, पैरीमीटर नाल। पैरीमीटर का फॉर्मूला की हुंदा, रैक्टेंगल का दो गुणा लेंथ प्लस ब्रेड्थ, किन्नी आ रेशो ये 1:3। इनू की करो अंदर गुणा कर लो, तो फिर की आ इन्हां दी क्रॉस गुणा कर दो, 3 × L नाल करी 3L, 2 × L नाल करी 2L, 2 × B नाल करी 2B, 2L प्लस दा खब्बे पासे लै जाएंगे माइनस दा हो जूगा, 3 × 2L माइनस की आ गया कल्ला L बराबर 2B। हुण B की आ इधर मल्टीप्लाई चा, तो ये भी की आ लैफ्ट ते लेके जावांगे, डिवाइड च हो जूगा, ये नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लो, तो ये की आ गई लेंथ ते ब्रेड्थ दी रेशो आ गई, किन्नी आएगी 2:1। तो कि आंसर आ जाएगा बी, आंसर की आ जाएगा इसका करैक्ट। एक सम होर करते हैं आप अज की क्लास, इस तुं बाद की आपां नैक्सट टॉपिक की आ फिर स्केयर दे उपर या ट्रैंगल दे उपर करांगे। ठीक है, तो हाँ जी लास्ट सम आपां देखते हैं अज की क्लास का कि दिता हुआ द ब्रेड्थ ऑफ रैक्टेंगल फील्ड, रैक्टेंगुलर फील्ड इज 60% ऑफ इट्स लेंथ। मतलब की आ कि किसी रैक्टेंगल की आयत की जिहड़ी चौड़ाई आ वो उसकी लंबाई का किन्नी आ 60% आ, ते उदा पैरीमीटर भी आपां नूं दिता हुआ 800 मीटर। पैरीमीटर मतलब पहला दसा मैं परिमाप हुंदा, तो पता की करना आपां ने उसका एरिया दसो किन्ना आएगा। तो चार ऑप्शन दित्ती हुई ने, दसो कि ऑप्शन की आएगी करैक्ट आएगी। वीडियो में पॉज करो, पहला खुद तो की करो सॉल्व करो, तो जो करैक्ट ऑप्शन आ करैक्ट आंसर आनू क्या नीचे कॉमेंट्स लिखो। हाँ जी हुण देखते हैं, देखो पहला की दिता हुआ कि ब्रेड्थ ऑफ रैक्टेंगल इज 60%, मतलब की आ जो रैक्टेंगल आ उसकी चौड़ाई आ वो किन्नी आ 60% आ, किसकी उसकी लंबाई का लेंथ का। परसेंटेज नूं हटा लो, नीचे किन्ना लग गया 100 लगता हुंदा परसेंटेज का, ऑफ का मतलब की हुंदा गुणा, कट के किन्ना आ गया ये 3/5, तो जिहड़ी चौड़ाई आ वह किन्नी आ गई 3/5L आ गई अपने कोल। हुण नाल आपां नूं की दित्ता होया इसका पैरीमीटर, पैरीमीटर मतलब की है इसका परिमाप, पैरीमीटर किन्ना दित्ता होया 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, उन्होंने क्या फार्मूले के बराबर लिख लिया करो नाल दी नाल, किन्ना बन गया ये 800। ये की करो वैल्यू इनपुट कर दो, दो ता की है गुणा चा, ये जाके की डिवाइड से सीधा कट्टा जाऊगा, कट के किन्ना आ गया 400। लंबाई तो चौड़ाई की है वैल्यू पुट कर दो, लंबाई तो L आ, जिहड़ी चौड़ाई आ वो L च किन्नी आ, उहदी वैल्यू L च लिख लो 3/5L। ठीक है, हुण की है इन्हां नूं लुकुत्तम लैके या क्रॉस गुणा करके की कर देंगे आपां, प्लस कर देंगे। इधर आके किन्ना आ गया 5L, ये किन्ना आ गया 3L, ते नीचे किन्ना जा गया 5। ठीक है, ये लिखना पैंदा तो इदा सॉल्व कर, मतलब की आ इन्ना कुछ लिखन की वैसे लोड़ नहीं हुंदी, टैक्नीक तुहानूं दस रहे हैगा सम आपां सॉल्व कर रहे हैं, तां करके की आ थोड़ा जिहा टाइम लग रहा, बट जिवें जिवें कि इन्हां नूं प्रैक्टिस करोंगे ते नाल दे सम दी प्रैक्टिस करदे जावांगे, उस तरीके नाल की आ स्पीड की आ इनक्रीज़ हो जाती आ, ते आ सारा कुछ की आ माइंड जी हो जाता, दिमाग जी आपां कर सकते हैं। तो किन्ना आ जाएगा ये 8/5L बराबर 400 दे, तो जिहड़ा की आ इधर गुणा च 8/5, इधर जाके किन्ना हो जाता हुंदा ये 5/8, 8 नाल की आ 400 कट दो, किन्ने ते गया ये 25 दे, 50 दे, 50 दी गुणा 5 नाल करी 25, पिछे 0, तो जिहड़ी लंबाई आ वह किन्नी आ गई 250 मीटर, ये अपने कोल आ गई लंबाई आ गई। चौड़ाई किन्नी आएगी इत्थे पुट कर दो, ब्रेड्थ 3/5L सी, L किन्नी आ 250, कट के किन्ना आ गया 50, मल्टीप्लाई किया किन्ना 150 मीटर, तो L भी आ गई, B भी आ गई, पता की करना एरिया दोनों की कर दो मल्टीप्लाई कर दो, एरिया की हुंदा लंबाई गुणा चौड़ाई, पुट करो 250 × 150,
दो जीरों पिछे एवं लिख लांगे, 25 दी गुणा 15 नाल करी किन्ना आ गया 375 आएगा। तो किहड़ा आंसर आ गया, बी ऑप्शन की आ गई इसकी करैक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके नाल करने आ, जे वीडियो वधिया लगदी आ उहनूं शेयर जरूर करो, ते नाल नाल की साडा जो कोर्स चल रहा कल्ले कल्ले टॉपिक नूं कंसैप्ट दे नाल समझना, ते नाल नाल की आ कल्ले कल्ले उपर डिटेल वीडियो नाल कंसैप्ट नूं समझना, ठीक है। चाहुंदे हो तां की आ साडे कोर्स नूं जरूर ज्वाइन करो। नंबर की आ तुहानूं पहलां तों पता ही आ, इस नंबर दे उपर की आ तुसीं वट्सएप कर सकदे हो, ठीक है। वीडियो किदां दी लगी जरूर लिखा करो कमेंट्स च। सो मिलदे आ नैक्सट क्लास, जिहदे उपर आपां की एक होर एमसीक्यू दी क्लास की आ लैके आवांगे। सो थैंक यू।